निकालेंगे दूसरा राजा अध्याय 6, दूसरा राजा अध्याय 6, सेकंड किंग चैप्टर 6, दूसरा राजा अध्याय 6, और उसका हम 24 से पढ़ेंगे। तो 24 पर सुना पढ़ना सु दूसरा राजा अध्याय 6 अध्याय 6, और उसका हम 24 से पढ़ेंगे। तो 24 पर सुना पढ़ना सु 24 से 7वें अध्याय के आगे। इसके बाद आराम का राजा अभिनंदन ने अपनी समस्त सेना इकट्ठा की और शमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसे घेर लिया। तब शमरोन में बड़ा ही आकार पड़ा। वह ऐसा हिला रहा कि अंत में घड़ी के सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई पर कबूतर की भी 5 चांदी के टुकड़े तक बिकने लगे। एक दिन इसराइल का राजा शहर पर टहल रहा था। एक स्त्री उसे पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, हे राजा, हमें बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊँ? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे, हम आज इसे खा ले और कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। तब मेरे बेटे को पका कर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इसे कहा कि अपना बेटा दे तो हम उसे खा लें, तब उसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शरणपना पर टल रहा था। जब लोगों ने देखा कि उनको यह देख पड़ा कि वो भीतर अपने देह पर टाट पहने हैं, तब वो बोल उठा, यदि मैं शापत के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके घर पर रहने दूँ तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही पड़ने से व्यक्ति करे। एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनिया भी उसके संग बैठे थे। अतः जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तब उस दूत ने पहुँचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो, इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरे सिर काटने को भेजा है। इसलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना। तब क्या उसके स्वामी के पाँव की आहट उसके पीछे सुन नहीं पड़ती? तब उसे ये बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बात क्यों जोता रहूं? तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूँ कहता है, अगर इसी समय शमरोन के फाटक में सभर महिला 100-200 जौ के शकल में बीतेगा, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। चार गोली फाटक के बाहर खड़े थे, वे आपस में कहने लगे कि हम क्यों यहाँ बैठे मर जाएं? यदि हम कहीं नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे क्योंकि वहाँ आकाल पड़ा है। यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ, हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वह हमें जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, यदि वह हमें मार डाले तो भी हमको मनवाएंगे। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। आराम की छावनी के छोर पर पहुँच कर क्या देखा, वहाँ कोई नहीं, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना के रथों और घोड़ों को भारी सेना की आहट सुनाई थी। वे आपस में कहने लगे कि सुनो, इसराइल के राजा ने नीति और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे घोड़े घड़े छावनी जैसी की तैसी चीज छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भागे। जब वे कोड़ी छावनी के छोर के डेरों के पास पहुंचे तब एक डेरे से घुसकर खाया पिया, उसमें से चांदी सोना वस्त्र ले जाकर छुपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुसे, उसमें से भी ले जाकर छुपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, हम जो ये कह रहे वो अच्छा काम नहीं, यह आनंद का समाचार का दिन है, पर हम किसी को नहीं बताते तो हम फौ पड़ने पर फेरे रहे तो हमें दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर यह बतला देंगे। तब चेहरे और नगर के चौकीदारों ने बुलाकर बताया, हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहार भी नहीं, केवल बंधे हुए घोड़े और गले और डेरे के जैसे के तैसे। तब चौकीदार ने पुकार कर भवन राजभवन के भीतर समाचार दिया। तब राजा ताकि उठा और कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण छावनी में मैदान में छिपने को कहकर गए होंगे और जब वे नगर में निकले
जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाए, परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उनमें से लोग 5 घोड़े ले और उनको भेजकर हम हार जाते, वे तो इसराइल के सब भीड़ के समान है जो नगर में रह गई है, वरन इसराइल की जो भीड़ मर भी गई है वे उसी के समान है। अतः उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए और राजा को उनके आराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। तब वे जाकर यर्दन के उनके पीछे चले गए और क्या देखा, पूरा मार्ग वस्त्रों पात्रों से पड़ा है जिन्हें आरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा से कहकर सुनाया। तब लोगों ने निकल कर आराम के डेरों को ढूंढ लिया। यहोवा का ये वचन के अनुसार, एक सा महिला 1 शेकेल में और 2 सवा जौ 1 शेकेल में बिकने लगा। जब राजा उस सरदार को जिसके हाथ पर वो तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया, तब वो फाटक के लोगों के पाँव के नीचे दम कर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ कि जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय पर कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसे राजा से कहा था कल इसी समय शोरण के फाटक में 2 सवा जौ 1 शेकेल में और 1 सवा महीना 1 शेकेल में बिकेगा, और वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को यह उत्तर दिया था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी ऐसी बात हो सकेगी? और उसने कहा था, ईशानी सुन, वो अपनी आंखों से देखेगा पर उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। अतः उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ, एतरो वो फाटक के लोगों के पाँव के नीचे दबकर मर गया। हम प्रार्थना करें। दूसरा राजा अध्याय 6 उसका हम 24 से 7 अध्याय पूरा पढ़ा। दूसरा राजा का अध्याय 6 का हम 24 से पढ़े और 7वां अध्याय हम पूरा पढ़े। हम आंखों को बंद करेंगे। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, वचन की सेवा को अपने हाथों में लेते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र है, इसलिए वचन ध्यान से सुनने के लिए सहायता करना, जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना, वचन की सेवा अपने हाथों में दिए, प्रभु हमारा मन वचन में लगे रहने के लिए मदद करना, ये हमारी खास विनती है परमेश्वर के नाम से। आमीन। दुख कर रहा था, काट पहने हुए था, वो दुखी था, दुष्काळ पाहून
घूम पड़ जाते हैं। अंदर दुखी है, अंतरात्मा में दुखी है, परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना कर रहा है, देवा समोर तो प्रार्थना करता है, लेकिन वो चुपके चुपके
आणि आम्ही मासे तर रोग खाते पण त्याला मुर्गी का सेवन नाही खाते आणि कोंबडी तर रोग खाते खाते लोक खाते कोई कोई लोग खाते हाँ कोई कोई लोग मच्छी का रोटो भी खाते कोई कोई लोग खाते जो लोग बहुत बेच देते हैं बकरे का भी सेवन खाते लेकिन एक खाने की वस्तु है चलो मछली का सेवन आणि मासे तर रोग मुर्गी का सेवन कोंबडी तर रोग कबूतर का शी खाते थे मतलब आज सोचो कितना भयानक था कबूतर से शी खाई से मुझे इतनी भयानक दुश्मन होता और उसके बाद हम देखते हैं कि दो औरतें राजा के पास आई है जैसे मतलब हम पालतू की दो स्त्रियां राजा द्रोण आई है राजा से न्याय मांग रही है हाँ राजा द्रोण न्याय मांग रही है हाँ इतना बुरा था कि वो स्त्री ने अपने बेटे को पका के खाया और दुश्मन इनका वाइट होता है कि स्त्री ने अपने मुला का शिरोन खा खुद के बेटे को दो एक स्त्री को भी तेरा बेटा छोटा है परमेश्वर के साथ बेईमान हो गए तब ये सारे श्राप है जो 45 से
वो श्राप हम देते हैं. आणि देवाने जे काही देवाने आपल्याला दिलेलं आहे त्याच्याबद्दल आपण देवाला आठवण ठेवत नाही, त्याच्याबद्दल आपण बैराम होऊन जातो. मग आपण मानतो की 48 वचनामधून तिथे श्राप दिलेली आहे. हमारा वचन शत्रुओं का घेरा जाना है ना, इसलिए हम वही 52 से पढ़ रहे हैं. आणि आपलं वचन आता शत्रुने घेरलं जाणार आहे म्हणून आपण 52 वचनापासून. इस्राईली लोकों को क्यों घेरा गया, आणि इस्राईली लोकांना का घेरा दिला गया, क्यों इतना बड़ा अकाल उनकी जिंदगी में आया कि अपने बच्चों को खाना पड़ा. आणि का एवढा मोठा दुष्काळ त्यांच्या जीवनात आला की त्यांना आपल्या मुलांना खावा लागला. ईश्वर का श्राप है वो, आणि देवाचा श्राप आहे. ते श्रापित किया आणि त्यांना श्रापित करण्यात का, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जो दिया वो परमेश्वर को भूल गए. कारण देवाने जे त्यांना दिलं त्याबद्दल ते देवाला विसरून गेले. तो राजाओं की पुस्तक में तो ये सब आपने पढ़ा ही होगा. आणि राजाओं की पुस्तक मध्ये तुम्ही वाचलं असेल. परमेश्वर जो भी राजा हो तो देता था गदा ही दिए हो. आणि देव जे काही राजाने द्यायचा ते सगळे गदा दिला. जेव्हा तुमचे शत्रू तुमच्या शरीराला वेढा देतील तेव्हा तुम्ही अन्नासाठी एवढे अवधिक व्हाल की तुमच्या प्रभुदेवाने तुम्हाला दिलेली मुले देखील तुम्ही खाऊन टाकाल. क्या लिखा है, अगर तो परमेश्वर को तुम भूल गए हो, बहुतायत के कारण तुमने अपमान किया है, इसलिए शत्रु तुम्हें घेरेगा और ऐसा घेरेगा कि तुम तुम्हारे खुद के बच्चों को पका के खाओगे. आगे तुमच्यातील अत्यंत कोमल हृदयी व सुसंस्कृत पुरुष देखील आपला भाऊ, आपली प्राणप्रिय पत्नी आणि जगून वाचून राहिलेली मुले यांच्यावर अत्यंत क्रूर व अघाशी अशी दृष्टी ठेवेल. हा त्या लिखाय, एकदम अच्छा से अच्छा कोमल सॉफ्ट आदमी और अच्छा पढ़ा लिखा ऐसा आदमी औरत भी तैयार हो जाएंगे. वो अपने बच्चों को रूढ़ दृष्टि से देखेंगे, उस वासना से ही तब उसको पका के खाएंगे. अपने इतने पढ़े लिखे अच्छे सॉफ्ट आदमी भी अकाल में शत्रु ने घेर लिया, इंसान ये श्राप होता है. तुमच्या शरणांना वेढा पडल्यामुळे व त्यांची उपासमार होत असल्यामुळे ते त्यांच्या स्वतःच्या मुलांचे मांस आघाशीपणे खात जाते. आघाशी आघाशी लोक कसे खातात, खूप भूक लागल्यावर गप्पा 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 खातात ना. त्याला म्हणतात ना, भेटलं नाही तर कसं तसं गप्पा 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 ते बघत पण नाही की आपण काय खातो. अजून ना शायद कबुतरांची शेती कशी खात असते, जेव्हा वचन तयार करतात ती तुम्हाला नुसते दिलं कसं ते खात असते. इशी आसाम म्हणजे ओरिसामध्ये मुंगळे असतात ना, मुंगळे खातात. कारण आसामवर ओरिसामध्ये जो मुंगळे असतात बळी चिकन येते कसं खाते, अंडी त्याचे खातात, उसके अंडे भी खाते हैं. तुमच्या शरणांना वेढा पडल्यामुळे व त्यांची उपासमार बसल्यामुळे ते त्यांच्या स्वतःच्या मुलांचे मांस आघाशीपणे खात राहते व त्यांनी वाटा त्यांना देण्याचे नाकारते. ऐश्वर संपन्न असल्यामुळे जिने आपला तळवाही कधी जमिनीला लावला नाही अशी गरजदार व कोमल हृदयी पत्नी देखील कठोर हृदयी बने की आपला प्राणप्रिय पती पुत्र किंवा कन्या यांना ती आपल्या अन्नाचे वाटे कधी होऊ देणार नाही. एवढेच नाही तर आपल्याच पोटचा गर्भ व आपल्याच पोटची मुले स्वतःलाच गुप्तपणे खाता
आले आहे म्हणून ती ती लपून ठेवले. अशा प्रकारे या मेंढ्यांच्या काळातील भूक खूप भयानक असेल आणि तुमच्या शत्रूंकडून तुम्हाला तुमच्याच देशींच्या आत भयंकर संकटे व यातना भोगाव्या लागतील. श्राप इसका योग क्यों आया, इसका सबसे बड़ा हम भी सोच सकते हैं ना. इतना एलिशा प्रभु का दास होने के बावजूद भी शोमरोन में ऐसी परिस्थिति आई आणि एवढा चांगला देवाचा तो दास एलिशा जे असून त्या शोमरोन मध्ये अशी परिस्थिती आली. लेकिन एक बात हमेशा याद है, पण एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, परमेश्वर अपने भक्तों को उत्तम से उत्तम दिला आणि देव आपल्या भक्तांना उत्तम आणि उत्तम दिला. परमेश्वर की भक्ति करना है, इसमें हमारा फायदा है. म्हणून देवाची भक्ति करणे यात आपला फायदा आहे. एलिया की काल में बड़ा ही बहुत बड़ा अकाल पड़ा आणि एलियाच्या काळामध्ये खूप मोठा दुष्काळ पडला होता. एलिया तो अच्छा काळ पण एलियाला चांगलं जेवण मिळतं, रोज मिळा रोज भेटलं सही. परमेश्वर की भक्ति अभी एलिशा के काल में भी हम देखे, एलिशा कबूतर की शी खाया ना गधे का सिर खाया, उसे कोई वस्तु की कमी नहीं थी. क्योंकि परमेश्वर के भक्तों को परमेश्वर ने मान और परमेश्वर को प्रतिष्ठा करने वाले लोगों को कभी किसी चीज की कमी कभी परमेश्वर नहीं होता. आणि एलिशा ने कबूतर की शी व गाढवा के लोगों को कधीच बदल नहीं करा. तर जे देवाची भक्ति करता देवाची उपासना करता देव त्यांना उत्तमात उत्तम गोष्टी देतात. इस परिस्थिति में एलिशा भी वहां है आणि या परिस्थितीमध्ये एलिशा सुद्धा तिकडे आहे. हम देखते हैं कि इस दुष्काळ का उसके ऊपर कोई बुरा असर नहीं, पण आपण हे पाहतो की त्या दुष्काळाचा कोणताही वाईट परिणाम त्याच्यावर झाला नाही. कुछ पुरणीय लोग उसके पास पूछने के लिए आए कि कब तक ये आकार रहेगा, कब तक ये ऐसा पूछने के लिए आए. क्योंकि उस परिस्थिति में भी कुछ लोग होते हैं जो भक्तों के पास परमेश्वर के दासों के पास जाकर विनती करते हैं कि क्या करें. लेकिन ऐसा राजा भी था जो उसे मारने के लिए आया, उसे लगा कि यहोवा की ओर से ही विपत्ति है. अंतर्पाण मध्ये जे वडील झाले होते ते ईश्वर विचारात आलेलं की कुठपर्यंत असं चालणार आहे. अशी लोक त्या काळामध्ये होती जे देवाचे भय बाळगणार होते ते अशी विचारात जायचे की कुठपर्यंत असं होणार आहे. पण त्या काळामध्ये जो राजा होता तो ईश्वरला मारण्यासाठी आला होता. उस काल लोकांनी जो बुरा बोया उसका फल उनको मिला आणि त्यांनी जे वाईट पेरलेलं आहे त्यांचं फळ त्यांना भेटलेलं आहे. वो नाही सोचते, ते ते विचार नाही करत. आपको उदाहरण बता आणि उदाहरण मी तुम्हाला सांगा. सोचो काटा बोया है, खून कटारे हुए हैं, अंदर काटे को फिर फेले ले आए तो आएगा क्या, तो उगे जाए कोई आएगा ना. अंदर काटे खून कटारे ही आएगी ना, अंदर काटे को फिर दे देगा. जब उसे देखने के बाद पर जब तेरा पावेले से अंदर ऐसे कैसे तूने किया, अरे अंदर कैसे तू काटे खून कटारे तूने क्यों पहला किया, अरे काटे को फिर का तू उत्पन्न किया, ये पहला कौन किया, अरे उत्पन्न को नहीं किया तूने ना, तू ना तू ऐसा क्यों किया, हम तो ऐसा का किया. गलती परमेश्वर की है आणि जो देवाची आहे ती मेरी आहे. जो माझ्या म्हणून काटे होऊन कटारे होय ती माझी आहे की मी काटे कुठे पेरले मेरी आहे ना, क्योंकि मैंने उन काटे उन कटारे उगाए भाई ना. माझे तो की कोई काटे कुठे पेरले तो जो बोया है वही मिलेगा ना, मजे पेरले तेच भेटे. इस्राएल ने इस्राएल के राजा राजा ने इस्राएल लोगों ने बुराई बोई थी, परमेश्वर को इतना क्रोधित किया वो बोया वही उनको आगे मिला और वो आगे बोला एलिशा का सिर घर पे नहीं रहेगा. आणि इस्रायलच्या राजाने इस्रायली लोकांनी वाईट केलेलं आणि तेच त्यांना भेटणार, तरी सुद्धा तो राजा येऊन तो म्हणाला की एलिशाचं डोकं मी ओढून टाकले और मारने के लिए आए आणि त्याला मारण्यासाठी आले. दरवाजा बंद करा, पण दरवाजा बंद ठेवला. राजा जेव्हा आया राजा तेव्हा आला, राजा त्याचा गुस्सा होते ना तकिया भी आया था. आणि तो व्यक्ती कहता ऐसा कोई नहीं सकता. आणि तो व्यक्ती म्हणाला
होऊ शकत नाही. अगर परमेश्वर आकाश हे झरोटो को भी खोल देगा तो भी नाही होत. जर प्रभू देवाने आकाशाच्या खिडक्या जरी उघडल्या तरी असं खोल येणार नाही. कैसा आहे ना परमेश्वर के बारे में उसकी सोच ले लो कैसी. आणि बघा देवाबद्दल त्याचे विचार कसे. इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा तू देगा लेकिन तू खाएगा. आणि म्हणून देव त्याला म्हणाला तू बक्षी पण तू खाऊ शकणार. देखो परमेश्वर ने क्या किया चार पोळीओ को ऐसा एक अद्भुत काम करने के लिए उन लोगों को चुना जिनको गांव से बाहर निकाला और उन्होंने बैठे. आणि देवाने अशा चार व्यक्तींना निवडले जे देशाच्या बाहेर काढण्यात आले आणि तुम्ही मजा होते आहे. वो कोळी सोचे की कृष्ण भाईचा मरने वाले असं तर आपण मरणारच आहोत. आपले देश में शंभरों में जाएंगे तो अकाल है आणि शंभरना गेले तर दुष्काळ आहे. और उसे बेटे ने हमारा सेना के पास चले जाएंगे. अंधेरे सामने की अपन आराम से नाम ले जाओ. आधा दिया तो बच जाएंगे. जीवन दिया तो बात नहीं तो वैसे तो मरना ही है. मार लो मार दिया नहीं तो ऐसा मान लिया हमारा पिता ने मारो टाके तो मारो टाके. चारों कोड़ी जब अंदर गए तो देखा सब सांसों में और चार पुरुषों के आंखों दिख गए तो नहीं भाई सब सांसों में. परमेश्वर ने चमत्कार किया. देवा ने चमत्कार आरामी सेना को डरा दिया. आरामी सेना का भी डर. परमेश्वर जब डर डालता है देव जब भीती टाकतो ना यो हम सोचे अरे काय हे भीतरे माझ्या उधर काय येते दुर्भीती. जब परमेश्वर डर डालता है वो व्यक्ति का सारा ताकत निकल जाता है. दुर्भी प्रश्न हो जाता है. आणि जेव्हा देव होता आपलो भाई नाही लोक व्यक्ती तरी टाकतो तेव्हा ते सगळं विसरून जातात. त्यांची बहुती मतलब होऊन जातात. परमेश्वर ने उनके अंदर ऐसा भय डाला आणि देवाने त्यांच्यामध्ये अशी भीती टाकली. बोलो म्हणजे मिश्र देश की और दुसरे देशों से भाड़े पे क्या लाया है सेना लाए है. आणि मिश्र देशामधून दुसऱ्या देशामधून त्यांनी भाड्याने सेना आणली. सबको सेना का आवाज सुनाई दिला. अंदर सर्व सेनांचा आवाज ऐकण्यात आला. ठाप सेना जशी चलती ना ठाप का ओ उधळले. आणि दुसरी सेना चालले तसा आवाज येऊ लागला. ते सगळे घाबरले. आपला प्राण बचावला. सब सामान वैसे तो वैसे सोडत चले. आणि सर्व सामान तसंच जेवण ते निघून गेलं. देखो जसे इस्राईली लोक को मालूम हो गया. आणि जसं इस्राईली लोकांना माहीत पडलं की अरबी सेना सारा सामान रखी गेली. अरबी सेना सर्व सामान घेऊन गेली. फाटक खोल दिया आणि फाटक उघडण्यात आला. जसे फाटक खोला आणि जसं फाटक उघडण्यात आलं क्या हो गया असं भुके लोक क्या हो गए. आणि सगळे जे भुकेले होते ते काय झाले. दूर पड़े भागे दौड़े वो खाना लेने के लिए. अंदर पड़ा रहे जीवन दीना चले. उन्होंने वो देखा नहीं कि राजा का जो तकिया था वो भी बीच में है. अंदर ये महिला नहीं कि राजा से जो ऋषि की वजह के कारगर लोगों मर गया है. हाँ वो देखा नहीं उसके ऊपर से उसको गिरा कर उसको धक्का देकर उसके पैरों उसके ऊपर रौंद रौंद कर उसने देखा कि अरे आटा मिल रहा है जौ मिल रहा है लेकिन खा नहीं सका. मर गया. मार्गदर्शन घेण्यासाठी जाऊन जसे एलिशा को मारली गेले
तो सर्विशाला मारण्यासाठी हा गेला लेकिन उस गाव के पुण्य लोग जो थे वो कुछ नहीं ले रहे तब तक की विपत्ति होगी आणि जे गावातले जे पुण्य लोक होते ते लोक विचारायला गेले की कुठपर्यंत असं चालेल वो आदर दिसा आणि आदर नाही इसलिए कभी भी चर्च और चर्च के पासवान जो होते उनके अंडर रहना परमेश्वर के अगेंस्ट सोच मत बोल आणि चर्च आणि चर्च जे पास्टर असतात त्यांच्या आधी के कारण त्यांच्या विरोधामध्ये कधी जाऊ नका बोल तिसरा तिसरा परमेश्वर का हात छोटा नाही आणि देवाचा हात छोटा नाही परमेश्वर कुछ भी कर सकता देव काहीही करू शकतो कभी मत सोचना जैसे इसने सोचा क्या ऐसे हो सकता है परमेश्वर आकाश के झरोखों को खोला तो भी ऐसे में 3 किलो मैदा एक चांदी के टुकड़े एक भी मिलेगा 3 किलो कितने भी मिलेगा 7 एक वर्ष प्रभु देव काय म्हणतो ते ऐका उद्या याच तुम्हाला शंभरमध्ये तुम्हाला एका चांदीच्या नाण्याला एका चांदीच्या नाण्यात 3 किलोग्रॅम उत्तम प्रतीचा मैदा 3 किलो मैदा मिळेगा आणि 6 किलोग्रॅम चव विकत मिळेल 6 किलोग्रॅम चव मिळेल एका नाण्यात हे परमेश्वर की कधी नाही आणि देवासाठी कधी नाही लेकिन कभी भी परमेश्वर ऐसा कर सकता है क्या आम्ही मेरे लिए ऐसा कर सकता है क्या आणि देव असं करू शकतो का माझ्यासाठी करू शकतो का देव सर्व काही करू शकतो हमेशा ऐसा सोचा म्हणून नेहमी असं विचार आप ऐसा सोचे ना असं होऊ शकतं का अगर आप ऐसा सोचे की ऐसा हो सकता है क्या माझा मुलगा बदलेल का मेरा पती चेंज होगा का नाही बदलणार तो कभी नहीं चेंज होगा और आपके आंखों को कभी भी दिखाई नहीं देगा कर मला बदले कोणाने बदले का होई होगा असं ठाम राहा देवाचं काहीच कठीण नाही और इथे आप ठाम राहू प्रभू को कुछ बात कठीण नाही काही कठीण नाही दुसरी कधी सगळं करू शकतो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है सगळं करे सब कुछ बस कधी नेगेटिव्ह थॉट जसं या माणसाने केला नेगेटिव्ह सकारात्मक विचार और ये चमत्कार करने के लिए 4 कोड़ियों को जो चले हुए लोग थे अच्छा वापस है उनका ही समाधि है तुम्हारा तुझे जोड़ा भी चमत्कार करने से तुझे कहाँ से ही वापस तो आपके जीवन में भी चमत्कार करने के लिए परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल करेगा वाट होगा सिर्फ राहा देखो देव चमत्कार करना परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर अद्भुत काम करना देखो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर और इसके द्वारा ही सिखाता है दुष्काल पासून वाचा और काल से बचे रहो देवाच्या आज्ञेचं पालन करा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो आपल्या दृष्टी जुना दुष्काळ येऊ नये और हमारे मनसे जे काल भक्त नाही आहे म्हणून हमेशा देवाचे आभार मानतो और इसलिए हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो आई असे प्रत्येक गोष्टी मना देवा तुझे तुझ्या मुळे सर और कुछ भी होगा तो कोणा प्रभु जो कुछ है तेरे कारण तुझ्या मुळे तेरे कारण हे सदैव होगा और ये हमेशा बोलते मैं तुम्हारा एक साक्षर सांगते ना माणसं और मैं आपको एक मनुष्य की गवाही बता दूंगा तो मनाया हे सर्व माझ्या बलबुतेवर झालं अरुणने का हे सारे ते बलबुतेवर झालं ही कमवलं मैंने कमाया ही केलं मैंने किया म्हणून माझ्यामुळे हे घडलं इथे मेरे कारण ही घर हुआ मन बघा जेव्हा संकट आलं त्याच्या जीवनात पण देखो जो मी जीवने संकट आया त्याच्या घराचे सगळे पत्र उडाले और उसके घर के सारे पत्र उत्तर घर सारा पत्र उड़ गए नशीब देवा ने घर वाले को और मनुष्य को धन्यवाद परमेश्वर ने उस घर को बचा कर मानसा का वास है और मनुष्य को बचाया भाई मन होगी ये घर देवा और उसके लिए स्त्री बोल रही थी ये घर परमेश्वर का है हाँ कि सगले जीवन का है इसे घर के सारे लोग जीवित रहे पत्र खटा खटा पीछे थी तो उनके सगले मनुष्य को और पत्र वहीं पर फोन कर तो सारे घर के मनुष्य मर सकते हैं पत्र जेव्हा पडतात जे पत्र लिहिता है तो कसे पडतात तो कैसा लिहिता है असेच पडतात ऐसे ही नीचे लिखता है तुम्हारा मैंने ते पत्र असे उलटून दूर पड़े समग्राचे समोर पड़े और आपको मालूम नहीं वो पत्र उलट कर घर के सामने गया है आए थे और ये ही परमेश्वर कसे खर्च करावे लागले और त्याचा खर्च खाता पडला लक्षात घ्या सगळं आपल्याकडे जे काही आहे ना सगळं देवाचे आणि हमारे पास जो कुछ है ना प्रियतो परमेश्वर का आपण देवाचे हम परमेश्वर के शरीर देवा शरीर परमेश्वर का सगळं देवाचे सब कुछ परमेश्वर का आपण काय म्हणतो की नाही हा पियानो माझा आहे तो क्यों बोलते नहीं कि ये पियानो माझा थोड़ी परमेश्वर का थोड़ी है
जाए और मुझे गिफ्ट आया जीना ये भी परमिशन देवा ने दिला मन वाला गिफ्ट आया ना और परमिशन ने दिया इसे मुझे गिफ्ट आया ना ये गिफ्ट नहीं है मैं शांति उदाहरण कि ये देवा से अरे परमिशन का है ये देवा ने परमिशन का जब आपने का एक देवा का मार्ग लागत होता है और एक जगह पर जहाँ पर परमिशन का मार्ग लग जाता है ना देवा एक तरह सुरक्षित तो परमिशन इसे सुरक्षित रहता है जब अपन म्हणतो ना हे माझं आहे और जब हम बोलते ना ये मेरा है देवाचा मार्ग निघून गेला और परमेश्वराचा मार्ग निघून गेला तर विपत्ती आहे वहा पर विपत्ती आली देवाचा मार्ग बरा इथे परमेश्वराचा मार्ग अच्छा आपण जेव्हा बोलतो ना तिथं देवाचा आहे कारण बोलते ना मी परमेश्वर आहो म्हणून आज आपण जगात जातो और घर के नजदीक आने के बाद वो अंधी हो जाते हैं ना जी माची बुले नहीं और हम बोलते हैं नहीं मेरे बच्चे देवाची बुले परमेश्वर के बच्चे तो वो बच्चे चेंज हो जाते हैं देवा साथी हो परमेश्वर की जैसे नहीं बोले तो तू माचा नहीं देवाचा है हमेशा बोला है तो मेरा नहीं तो परमेश्वर का देवाचा है तो परमेश्वर का है बड़ा अब देखो चेंज होता है प्रत्येक कुछ का देवाचा मार्ग लगा और हर बातों में परमेश्वर का मार्ग लगा दो और देखो परमेश्वर उन बातों को कैसे सुरक्षित रखता है परमेश्वर को आशीष करिए आप प्रार्थना करिए पुढच्या सोमवारी आपण हाडात बदललो होतं कारण आपलं वचन राहिलं होतं गेल्या सोमवारी सोमवार हड्डीओची बारी दिली हाड आपण कशी ठेवायची और हड्डीओ म्हणून कसे कसे रचना आहे कशी वाचवायची और कसे बचाना हाडा गरजेचे और हड्डिया क्यों जरूरी है म्हणजे ते वचन होतं आलं पण काही टाईमला देवाने जसं सकाळी तयार केलेले वचन और सुरू ते वचन तयार केले देवाने मला सांगितलं वचन और परमेश्वर म्हणते का हे वचन हाडाचं पूजन सोमवारी और हड्डिओ की बारे में आपली सोमवार को द्या हाडांचं जर आपण करायचं तो हड्डिओ की बारे में देखील आपले हाडं मजबूत पाहिजे ना और आम्हाला हड्डिया मजबूत चाहिए ना तर त्याचं औषध काय आहे तो उसका मेडिसिन काय आहे धन्यवाद आगे का पूरा समय आपके हाथ में
प्रसन्न सारा सारी महिमा सारी प्रशंसा सारे गौरव आपको दे दे अभी अपने अपने घर जाएंगे इनकी रक्षा करना आपको विभूति के समान संभाल लेना इन्हें आनंदित करना ये इनकी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको